हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में। तो गाइस, हमारे आज किस नए वीडियो में बात करेंगे गाइस, किस तरीके से आप अपने यहाँ पे ओप्पो वाले फ़ोन में, जो कि गाइस यहाँ पे देख सकते हैं मेरा ओप्पो वाला फ़ोन देखने को मिलता है, और ओप्पो वाले फ़ोन के अंदर गाइस आप अपने प्राइवेसी पासवर्ड गाइस किस तरीके से यहाँ पे गाइस चेंज कर सकते हैं, मैं आपको वीडियो में बताऊँगा। तो मेरा प्राइवेसी पासवर्ड है गाइस, उसका पासवर्ड कैसे चेंज होगा, तो सिंपली गाइस इसी के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को लाइक एंड वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि गाइस प्राइवेसी पासवर्ड सेटिंग रहता है ओप्पो वाले फ़ोन में। तो गाइज उसको यहाँ पे किस तरीके से चेंज करना है उस पासवर्ड को, तो सिंपली गाइज यहाँ से इसको डाउन कर लेंगे और इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा गाइज। और यहाँ पे अगर गाइज आपका यहाँ पे ऑप्शन रहता है सेटिंग्स वाला, तो सिंपली गाइज आपको अपने मोबाइल के सेटिंग्स को ओपन कर लेना होगा। और जैसे गाइज मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया सेटिंग्स को, तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने यहाँ पे गाइज देखने को मिल जाएगा, जैसे कि गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं। और सिंपली गाइज यहाँ से आपको इसको डाउन कर देना होगा। इसको डाउन करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे पासवर्ड एंड बायोमेट्रिक्स वाला ऑप्शन देखने को मिलता है, सिंपली ऐसे ही गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ से गाइज आपको क्या करना होता है, पासवर्ड एंड बायोमेट्रिक्स वाला ऑप्शन में गाइज आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही गाइज आप यहाँ पे पासवर्ड एंड बायोमेट्रिक्स वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो आपके सामने यहाँ पे गाइज कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जैसे कि देख सकते हैं गाइज। और यहाँ पे आने के बाद जो है गाइज आपको सिंपली क्या करना होगा, यहाँ पे ऑप्शन है प्राइवेसी पासवर्ड, तो गाइज आपको सिंपली इसको चेंज करना है पासवर्ड को, तो गाइज प्राइवेसी पासवर्ड पर क्लिक करना है, एंटर प्राइवेसी पासवर्ड। तो आपको यहाँ पे गाइज प्राइवेसी जो पासवर्ड रहता है आपको यहाँ पे एंटर कर लेना होगा। और इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे ऑप्शन है चेंज पासवर्ड का, तो गाइज आपको चेंज पासवर्ड पे क्लिक करना होगा, एंटर ओल्ड पासवर्ड, जो भी आपका ओल्ड पासवर्ड रहता है यहाँ पे एंटर कर देंगे गाइज, एंटर मैंने कर दिया ओल्ड पासवर्ड। उसके बाद गाइज आपका यहाँ पे न्यू पासवर्ड सेट करने वाला ऑप्शन आ चुका है, तो यहाँ पे मैंने 4 डिजिट तक का मैंने पिन को यहाँ पे सेट कर लेता हूँ, और यहाँ पे यूज़ पे क्लिक करके इसको गाइज कन्फर्म कर लेते हैं। तो मेरे यहाँ पे प्राइवेसी पासवर्ड जो है गाइज यहाँ पे चेंज, उसका जो कि पहले पैटर्न था, अब यहाँ पे नेम लॉक जो कि पिन लॉक सेट, उसका इस तरीके से प्राइवेसी पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। मिलते हैं गाइज आपको यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में।